ड्रामा सीरियल मन्नत और मुराद की एपिसोड नंबर 13 में क्या कुछ होने वाला है जानिए मेरी इस वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। एपिसोड नंबर 13 में आप देखेंगे कि मुराद की जो माँ है वो फरमाइश कर देती है मन्नत के घर वालों से कि हमारे यहाँ है रिवाज के जो है वो सास को डालते हैं कंगन और उसकी नंदों को डालते हैं सोने के झुमके। और ये फरमाइश करके आ जाती है वापस और वापस आकर सबको बताती है कि मैंने ये फरमाइश कर दी है। उधर जब दूसरी जानब आप देखेंगे कि जब जहेज का आता है ट्रक तो नहीं आता वो पसंद जहेज मुराद की माँ को और वो वापस ट्रक को जो है वो भिजवा देती है, जिस पर जो है वो उसके जो मन्नत है उसके बड़े भाई और सब का बहुत ही शदीद रद्द अमल होता है और वो शादी से कर देते हैं इनकार ही कि हम जो है वो शादी ही नहीं करेंगे, ये तो लालची औरत है, हम अपनी बेटी को लालची घर में नहीं बहाएंगे। उधर वो जब मुराद को फ़ोन करता है उसका मन्नत का बड़ा भाई और कहता है कि तुम्हारी माँ तो बड़ी लालची निकली और तुम लोग तो ऐसे हो, मैं तो ये समझ ही नहीं सकता था कि तुम हम लोगों पर बोझ समझते हो। हमारी जो बेटी है मन्नत वो हम पर बोझ नहीं है और तुम जैसे लोगों के नजायज मुतालबात हम कभी पूरे नहीं करेंगे। उधर जो है वो मुराद की जो माँ है वो भी अब शादी के लिए जो है वो तैयारियां नहीं कर रही, कहती है कि कोई शादी वादी नहीं होगी जब तक जो है वो हमें अच्छा जहेज नहीं मिलेगा और हमारी फरमाइश जो है वो पूरी नहीं होगी। और उधर जब मन्नत तैयार हो रही होती है डांस कर रही होती है तो जाती है उसके पास दोस्त मुराद की, तो कहती है वो कि मुझे नहीं लगता कि मुराद जो है वो अपनी माँ के सामने लेगा कोई स्टैंड, तो वो तो माँ के आगे बोल भी नहीं सकता, वो तो स्टैंड क्या लेगा। आपको क्या लगता है कि क्या मुराद लेगा स्टैंड और कर लेगा मन्नत से शादी या फिर मन्नत और मुराद की शादी नहीं हो पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।